हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BAMS लेक्चर्स में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं NCISM के अकॉर्डिंग जो सिलेबस चेंज हुआ है BAMS का, उसके बारे में। आज हम यहाँ पर UG बैच 2021-2022 के बारे में बात करेंगे। मैं हूँ आपके साथ भव्या। तो सबसे पहले सिलेबस, उसके बाद एकेडमिक कैलेंडर, और उसके बाद हम उसका एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे। तो जो नया 2021-22 बैच का कोर्स है वो 18 मंथ्स का है। जैसे कि हम सभी को पता है कि अभी तक एक साल का BAMS हुआ करता था, बट इस साल से CCIM ने चेंज कर दिया है सिलेबस। तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रोफेशनल कोर्स जो है वो 18 मंथ्स का है, और इसमें फर्स्ट टर्म होंगे जो कि फर्स्ट टू सिक्स मंथ्स के अंडर में हो जाएंगे, जिसमें 3 पीरियडिक असेसमेंट्स होंगे और एक टर्म टेस्ट होगा। सेकेंड टर्म होगा जो कि 7 to 12 मंथ्स का होगा, जिसमें 3 पीरियडिक असेसमेंट्स और सेकेंड टर्म टेस्ट होगा। और थर्ड टर्म होगा जो 13 to 18 मंथ्स का होगा, जिसमें 3 पीरियडिक असेसमेंट और एक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा। और इन सभी के मार्क्स आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ऐड होंगे, इसलिए इन सभी को अच्छे से देने की ज़रूरत है। उसके बाद हम एकेडमिक एक्टिविटी की बात करते हैं। तो एकेडमिक एक्टिविटी में सबसे पहले आपका आता है कोर्स कमेंसमेंट। कोर्स कमेंसमेंट 11 अप्रैल 2022 को कर दिया गया है, तो ये स्टार्ट हो चुका है। इंडक्शन प्रोग्राम एंड ट्रांजिशन सर्कुलम बहुत सारे कॉलेजेस में कंप्लीट हो चुका है, जो कि 15 वर्किंग डेज का था। फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट जो कि 3rd and 4th वीक ऑफ सितंबर 2022 में अभी आने वाला है। उसके बाद आपके विंटर वेकेशन होने वाली हैं, जो कि 3 वीक्स की होंगी इन दिसंबर 2022 से लेकर के जनवरी 2023। इन इस टाइम पीरियड के बीच में कभी भी हो सकती है। उसके बाद से आपका आएगा सेकेंड इंटरनल असेसमेंट, जो कि 3rd and 4th वीक ऑफ मार्च 2023 में होने वाला है। इसके बाद आपके प्रिपरेटरी हॉलीडेज़ हो जाएंगे, जो कि 2nd and 3rd वीक ऑफ जुलाई 2023 में होंगे। अगर हम बात करते हैं हमारी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस की, तो वो आपके 4th वीक ऑफ जुलाई 2023 में होंगे। उसके बाद से जो क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट प्रोफेशनल BAMS में, बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है, उन्होंने पूछा है, तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। सबसे पहले पहला सब्जेक्ट है आपका संस्कृतम एवं आयुर्वेद इतिहास, जिसे हम संस्कृत एंड हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा भी कहते हैं। पदार्थ विज्ञान जो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा एंड क्वांटम मैकेनिक्स, जिसके अंडर में आएगा और आप पढ़ेंगे। थर्ड है क्रिया शरीर, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी है। चौथा है रचना शरीर, जो कि ह्यूमन एनाटॉमी है। उसके बाद संहिता अध्याय 1, इसके पहले तक हमारे पास अष्टांग ऋग था, उसकी जगह पर यहाँ पर संहिता अध्याय किया गया है, जिसका है स्टडी ऑफ क्लासिकल आयुर्वेदा टेक्स्ट। उसके बाद से मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहला सब्जेक्ट जो कि संस्कृत एवं आयुर्वेद का इतिहास है, उसके 2 पेपर होंगे, 100 मार्क्स ईच। उसमें प्रैक्टिकल प्लस क्लिनिकल असेसमेंट होगा 100 मार्क्स का, तो टोटल मार्क्स होगा 300। सेकेंड सब्जेक्ट जो कि पदार्थ विज्ञान का है, उसके भी 2 पेपर होंगे, 100 मार्क्स ईच प्लस प्रैक्टिकल और क्लिनिकल असेसमेंट जो कि 200 मार्क्स का होगा, तो ये टोटल 400 मार्क्स का होगा। थर्ड सब्जेक्ट जो कि आपका क्रिया शरीर है, उसमें मॉडर्न और आयुर्वेद आपको दोनों पढ़ना है, दोनों के पेपर एक एक होंगे, यानी कि टोटल हो गए 2 पेपर, 100 मार्क्स ईच, जिसमें प्रैक्टिकल और क्लिनिकल असेसमेंट आएगा जो कि 200 मार्क्स का होगा। फिर उसके बाद टोटल मार्क्स इसके भी हो गए 400। फिर उसके बाद से हमारा आता है चौथा सब्जेक्ट। तो चौथा सब्जेक्ट जो होगा वो आपका था रचना शरीर, जो उसका भी आपका आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों होगा, उसके भी 2 पेपर होंगे, 100 मार्क्स ईच प्लस उसका क्लिनिकल और प्रैक्टिकल भी होगा 100 मार्क्स का, तो टोटल होगा इसका भी 400 मार्क्स। फिफ्थ सब्जेक्ट आपका था अष्टांग हृदय, जिसमें कि आपको चरक संहिता के 1 to 12 अध्याय भी पढ़ने हैं। उसके बारे में और डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसका भी 1 पेपर ही होना है, लेकिन जो कि 100 मार्क्स का होगा, और उसका प्रैक्टिकल और क्लिनिकल असेसमेंट भी 100 मार्क्स का होगा, तो टोटल मार्क्स उसके हो गए 200। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में देखा कि हमारा किस तरीके से BAMS जो 2021-22 का बैच है, उसके लिए अगले 5 साल तक का पूरा कोर्स आपका चेंज हो चुका है। एक्चुअली कोर्स पे ये सब्जेक्ट इधर उधर हो गए हैं, तो NCISM ने हर चीज़ को देखते हुए ये चेंजेस करे हैं। तो अगर आपको अपडेटेड रहना है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम दोबारा मिलेंगे इसी चैनल पर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।